राजस्थान में रीट पेपर के आउट हो जाने के बाद राज्य सरकार ने भले ही रीट की परीक्षा को रद्द कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके रीट को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आज एक दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान पसपदरा में ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा बाड़मेर के पसपदरा में पहुंचे, लेकिन जैसे ही रीट के अभ्यर्थियों को इनकी जानकारी हुई, वे पसपदरा में सड़क परी मार्ग में काले झंडे लिए खड़े हो गए। डोटासरा के जैसे ही इस रास्ते से काफिला निकला तो युवाओं ने अपने जेबों से काले झंडे निकाले और उनको लहराना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी युवक पेपर लीक में उनका संरक्षण होने का आरोप लगाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा मुर्दाबाद व न्याय और संघर्ष की लड़ाई में जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जैसे नारे लगाते रहेंगे।